ओलवालिया कॉन्टेस्ट ने 1000 लेबर का लाइसेंस यहाँ लिया और 600 लेबर का लाइसेंस मोहम्मदपुर गांव में लिया, किंतु 600 लेबर का जहाँ लाइसेंस लिया है वहाँ 1500-1600 लेबर वहाँ काम किया है, जहाँ 1000 लेबर का लाइसेंस लिया है वहाँ भी 1500-1600 से ज़्यादा लेबर काम किया है। अब ये है कि लेबर का लाइसेंस लेता है 1000 काम करते हैं लेबर ज़्यादा, लेबर का लाइसेंस लेता है 600 काम करते हैं लेबर ज़्यादा। इसमें भी जिस लेबर का इन्होंने 600 का लाइसेंस लिया मोहम्मदपुर गांव में और 1000 लिया अफ्रीका एवेन्यू सेंट्रल विस्टा में, उन लेबरों का भी इनके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने इनसे रिकॉर्ड मांगा, हमने CPWD के इंदिरा प्रियदर्शनी कार्यपालक अभियंता से मिलकर बात किया तो इंदिरा प्रियदर्शनी ऐसे रफ और टफ व्यवहार किया जो वो कह रही है जब कानून मेरे जेब में है, जो ठेकेदार करेगा मैं करूँगा वही कानून है। मैं नोटिस लेके गया लेबर ऑफिस का, लेकिन वो भी लेने से उसने मना कर दिया। इतना रफ व्यवहार इंदिरा प्रियदर्शनी किया है। एक मिनट, ये जो ना कंपनी का नाम आपने क्या बताया? ओलवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी A-177 फेज फर्स्ट ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, इसका मेन कार्यालय है, और मिस्टर हिमांशु उप्पल इसका डायरेक्टर है या जो मेन है। इसके और भी घटक हैं लेकिन सारे के सारे लेबर लॉ का इस प्रकार उल्लंघन कर रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जो लेबर लॉ का उल्लंघन करने की वजह क्या है। लेबर लॉ का उल्लंघन करने की सबसे बड़ी वजह ये है जो लेबर डिपार्टमेंट की खामोशी, लेबर डिपार्टमेंट अपनी जवाबदेही से हमेशा किनारा करके ऑफिस में बैठे रहते हैं और इनको पत्रम पुष्पम जो भी महीने में चढ़ता रहता है और ये चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर लेबर डिपार्टमेंट सही ढंग से काम करे तो कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी मजदूरों के साथ उनका हक का उल्लंघन नहीं करेगा।